पैंट काटने से पहले पैंट की नापी जान लें। 41 इंची लंबाई, 36 इंची कमर, 41 इंची हिप, 25 इंची लटक, 15 इंची मोहड़ी। दो प्लेट का पैंट आसान तरीका से काटना सीखें। 41 इंची लंबाई, 2.5 इंची मोहड़ी, 20.5 इंची बीच सेंटर, 41 इंची हिप है इसका, 10 इंची लटक का रहेगा निशान। अब ये सीधा निशान ले लेंगे। इंची कमर है, 9×36 9 इंची, 3 इंची 3 इंची लूजिंग, 1.5 इंची फ्लाई। बीस सेंटर के निशान लगा लेंगे। एक निशान उठा लेंगे, 1.5 इंची छोड़कर 15 इंची, 7.5 4.5 4.5 दोनों का 20 सेंटर ले लेंगे। मोहड़ी से और फ्लाई का दोनों का निशान सीधा ले लेंगे। जितना आया उसमें आधा इंची कम, निशान से आधा इंची कम कर लेंगे ताकि पैंट का शेप बहुत सुंदर बैठे। आधा इंची कम का ये हो गया, आधा इंची 6×12 इंची हो गया। अब सीधा निशान ले लेंगे 1/2 इंची जो कम निशान है उस पर दोनों साइड। अब देखिए फ्लाई से पहले वाला जो निशान है उतना 12 इंची वहाँ भी ले लेंगे। निशान सीधा ले लेंगे, फ्लाई घुमा लिए, अब राउंड स्केल ले लेंगे। राउंड स्केल से 1/2 इंच जो कम की इसलिए राउंड रहेगा ये। अब प्लेट का हाफ इंच कम कर लेंगे, प्लेट का निशान लगा लिए। जो ऊपर से 1/2 इंच कम करके निशान लगाए आगे फ्लाई के पास, ऊपर से 2 इंच कम पॉकेट का रहेगा और 6 इंच पॉकेट का निशान रहेगा।
सीधा निशान लेंगे, एक हाफ इंच नीचे रहेगा, सवा इंच ऊपर रहेगा, नौ चौक 36 नौ इंची, हाफ इंच सिलाई का और एक इंच डांट का, डेढ़ इंच निशान ले। इकतालीस इंची हिप है तो सवा दस इंची और सवा इंची लूजिंग रहेगा, उलट कर इसको निशान लगा लेंगे, फिर सीधा स्केल हल्का क्रॉस रहता है। डेढ़ इंची मोहड़ी के पास से निशान लगा लेंगे ताकि मोहड़ी परफेक्ट बैठे। अब पौने दो इंची जांघ पे फिर यहाँ टेढ़ा वाला स्केल ले लेंगे और इससे निशान लगा लेंगे। फ्लाई नाप लेंगे कितना है, बारह इंच हो गया। पच्चीस इंच पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। अगर अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।